न्यू रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350, बट इसका वॉक थ्रू देता हूँ मैं आपको, उसके बाद बताता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस और किन लोगों को ये लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्रंट प्रोफाइल नाउ। तो सबसे पहले अपन आ जाएंगे बड़े से वाइजर की तरफ, ये कि मीटियोर का सबसे टॉप मॉडल है, तो उसमें जो है ये वाइजर प्रोवाइडेड रहता है ऑलरेडी, तो काफ़ी बड़ा ये वाइजर है एक्चुअली, काफ़ी बड़ा वन, तो दो हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये वाइजर है। तो कुछ इतना बड़ा वाइजर मिलेगा जो है आपको, लाइटिंग जो आप देखोगे इसमें आपको जो है बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे और हेलोजन की जो है लाइट मिलेगी, बट एक चीज़ है कि इसमें आपको DRL मिल जाएगा जो कि आपको प्लास्टिक में नहीं मिलता है नॉर्मली, तो इसमें आपको DRL मिल जाएगा बहुत अच्छा सा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे मडगार्ड की तरफ जाएंगे अपन, तो मडगार्ड में आपको एक फ़ाइबर का जो है मडगार्ड मिलेगा जो कि बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी हैवी जो है मडगार्ड आपको देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद थोड़ा सा अगर टायर की प्रोफाइल की बात कर लूँ मैं, तो 100x90x19 इंच का जो है इसका जो टायर है जो कि यार बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा दिखता है वैसे दिखने में और काफ़ी ज़्यादा जगह पे रिलायबल काफ़ी रहेगा। ये सीएट का जो है टायर देती है ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइब्री के जो है ब्रेकिंग कैलिपर्स हैं इसके, डुअल चैनल ABS आता है इसमें मेनली, और जो है 300mm की जो है इसमें इसकी जो है ये प्लेट मिलेगी। टॉप वाले मॉडल में एक चीज़ और आती है जो ये जो सिल्वर कलर का फिनिश है, ये आपको सिर्फ सुपरनोवा में मिलने का देखने को, और कोई इसे मॉडल में एक्चुअली ये देखने को नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है गाड़ी की, देखो यार बहुत मतलब काफ़ी बढ़िया मज़ेदार सी साइड प्रोफाइल है। इंजन की बात कर लेते हैं वापस से, तो फिर 349cc का जो है एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है इसमें, एयर और ऑयल दोनों कूल्ड इंजन मिलता है इसमें आपको मेनली। रॉयल इनफील्ड का जो नया वाला जो इंजन आया है J-सीरीज़ का जो है प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जिससे कि वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं गाड़ी में, थोड़े बहुत वाइब्रेशन रहेंगे जो मैं आगे बताऊँगा आपको किस चीज़ में आते हैं वो। बढ़िया सिल्वर क्रोम फिनिश का दिया है, रॉयल एनफील्ड की बेजिंग दे दी है, और एक सिंगल सिलेंडर जो है इसमें वो है तो इंजन है, तो इसमें जो है एग्जॉस्ट आपको सिंगल वाला देखने को मिलेगा। सुपरनोवा जो है जो सुपर मीटियोर है जो है उसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलता है, वो ट्विन पैरेलल इंजन होता है क्योंकि, तो उसकी वजह से इसमें जो है सिंगल पैरेलल इंजन है। मीटियो 350 की यहाँ पर बहुत बढ़िया सी जो है बैजिंग दे दी है रॉयल एनफील्ड ने, यहाँ पर भी जो आपको बैजिंग है ब्रांडिंग है थोड़ा सिल्वर क्रोम फिनिश में मिलेगा आपको बढ़िया सा, जो कि बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको मिलेगा एक बिल्कुल सेमी डिजिटल कह सकते हो उसको स्पीडोमीटर, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है डिजिटल मिलेंगी और जो आपको स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग वाला मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लुक दिखता है, मेरे को काफ़ी पसंद है ये वाला लुक। और इसके साथ जो है ट्रिपर मिलता है जो कि सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, और जो अपना इसके फायरबॉल और इसका जो एक और स्टेलर वाला वेरियंट है उसमें आपको ये वाला जो है ट्रिपर नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ आप एक्सेसरीज में एक्सेसरीज आप इंक्लूड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इसकी बटन्स पे, तो बटन्स कुछ ऐसी हैं और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की जो बटन्स इस बार जो है रॉयल एनफील्ड ने चेंज कर दी है, जब से ये J-सीरीज का इंजन आया है तब से चेंज कर दी है। ये वाले जो बटन है काफ़ी प्रीमियम हो गई है, हज़ार्ड लाइट का पूरा सेटअप दे दिया है। जो ये है अपने ब्रेक्स हैं वो बहुत बढ़िया से अच्छी क्वालिटी के कर दिए हैं वापस से, जो कि पहले थोड़ी चीप क्वालिटी के आते सस्ते, मतलब थोड़ा चीप तो नहीं कह सकते वो भी अच्छे थे, पर ये थोड़े ज़्यादा अच्छे हैवी और मोटे मोटे कर दिए, तो ये अच्छी बात है इसमें चेंज कर दिया है। नाउ नॉर्मल जो है अपनी हॉर्न दे दी है, इंडिकेटर्स दे दिए हैं, पास दे दिया है, और इससे आप जो है एक और जो बटन है इससे आप एक्सेस कर सकते हो आपका स्पीड जो मीटर होता है उसको। क्रोम फिनिश में जो है साइड मिरर्स दे दिए हैं जो कि थोड़ा बहुत अभी वाइब्रेट करते हैं, बट इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा क्यों। और जो ये जो इसको भी जो है क्रोम फिनिश में दे दिया है, पर ये भी सिर्फ जो है टॉप मॉडल में ही क्रोम फिनिश में आता है, बाकी दोनों मॉडल्स में क्रोम फिनिश में नहीं आता है, तो ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं अगर अपन इसमें, तो टेल लाइट मिल जाएगी बहुत बढ़िया सी यहाँ पर, वापस से पीछे दोनों इंडिकेटर दे दिए बढ़िया से, तो पीछे अच्छा खासा सेटअप है, प्रॉपर नीचे तक का सेटअप है, तो पानी वानी उछलने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, तो ये अच्छी चीज़ है। बैक टायर की बात कर ले तो 140 सेक्शन का 17 इंच का टायर दिया जो कि बहुत बढ़िया बहुत मैसिव लगता है, जो क्लासिक से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है मेनली, ये क्लासिक 120 का आता है, इसमें 140 का आता है C8 का जो टायर है। बाइब्री कैलिपर्स पीछे का जो 270mm का जो है इसमें दे दिया है डिस्क, और पीछे भी ABS है ऑब्वियसली, डुअल चैनल ABS है, तो ABS तो दोनों में आना ही आना है, तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप है इसका। बैक टायर का सस्पेंशन जो है रियर में डुअल ऑब्जॉर्वर वाले सस्पेंशन दिए हैं, मोनोशॉक नहीं आता है इसमें, तो काफ़ी ठीक ठाक से काम कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा स्टीफर साइड में है, थोड़ा सा जो है हार्ड साइड में दिखेंगे वो अपने को, बट
यूज़ टू हो जाते नॉर्मली ज़्यादातर। थोड़ा बहुत ड्रॉबैक मुझको ये लगता है इस चीज़ का, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं इसके फुटपैक्स की बात। फुटपैक पे भी इसमें जो है इनमें ब्रांडिंग दे रखी है बढ़िया बढ़िया। हर मतलब रॉयल इनफील्ड ने हर एक चीज़ में बहुत अच्छा काम कर रखा है। छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ब्रांडिंग दे रखी है। सारी गार्ड मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। ओपन चेन है बिल्कुल सिस्टम, पूरा का पूरा चेन का सिस्टम थोड़ा सा ओपन है तो ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत ये वाला एरिया जो है एक्सपोज रहता है इस गाड़ी का, जो कि थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को पसंद नहीं आता है। किसी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट की बात कर लेते हैं। सीट जो है बहुत बड़ी बड़ी सी ऐसी बड़ी बड़ी सीट दे दी है जिसमें आप आराम से दो जने बैठोगे बहुत प्यार प्यार से। तीन बैठ नहीं पाओगे, मेरे को नहीं लगता कि तीन बैठोगे। देखिए यार थोड़ा सा जो है स्प्लिट सीट दे दी है तो मेरे हिसाब से तीन तो बैठना मुश्किल है, बट दो आराम से बैठ जाओगे यहाँ पर बहुत बढ़िया से। और पीछे जो है ना सुपरनोवा एंड जो स्टेलर वाले में आपको जो है ये मिलता है बैकरेस्ट, नॉट एज ए नेसेसरीज, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और जो आप फायर बोल लोगे उसमें जो है ये नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रंट वाले जो सस्पेंशन की बात करूँ तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि इस गाड़ी में मिलते हैं। 175 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, जो कि मोर देन सफिशियंट है नॉर्मल रोड्स के लिए है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खासा सस्पेंशन है, तो ग्राउंड क्लियरेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप है पूरा का पूरा, ऐसा कुछ लुक आने वाला है आपको गाड़ी का। देख लो यार बहुत बढ़िया सा लुक आ रहा है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा इसका एग्जॉस्ट नोट का भी साउंड सुना देता हूँ मैं आप लोगों को। बाय द वे आई एम हियरिंग टी। चलो तुषार भाई ज़रा एग्जॉस्ट नोट भी सुन लो। पटाखे मार रही है ये, बहुत बढ़िया साउंड है एग्जॉस्ट का यार। देख लो बिल्कुल बेसी बेसी जो साउंड है जैसा साउंड है इसका एग्जॉस्ट का। अब मैं आपको बात कर लेते हैं अपन इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो है इस वाले जो वेरिएंट है जो कि है सुपर नोवा, इसका प्राइसिंग जो आपको अराउंड पड़ने वाला है 2.52 लाख के आसपास, जो कि नॉर्मल वेरिएंट है। तो और उसके बाद जब अगर अपन बात करते हैं इसके नीचे वाला जो है स्टेलर वाला वेरिएंट, तो वो आपको 2.44 के आसपास कुछ पड़ेगा। ये मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, तो शोरूम नहीं बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसा पड़ने वाला है। और फायरबॉल का प्राइस करें तो 2.37 के आसपास भोपाल में जो है, भोपाल एमपी में जो आपको ये होशंगाबाद रोड पे जो ये वाली लोया मोटर्स है जो कि रॉयल एनफील्ड की है, जस्ट आशिया मॉल के जस्ट सामने है ये वाली, तो वहाँ पे आपको ये वाला प्राइस मिलने वाला है। बाकी आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जो है लेके इनसे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए हो, टेस्ट राइड चाहिए हो या फिर आपको बाय करनी हो, तो वो भी कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ मेन पॉइंट्स की, वो हैं कि किन लोगों को मीटियोर 350 लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। मैं सीधे से डिसएडवांटेज की बात कर देता हूँ, और बाकी एडवांटेज तो बहुत सारे हैं इसमें, पर डिसएडवांटेज थोड़े बहुत छोटे छोटे जो हैं वो मैं बताता हूँ आपको। डिसएडवांटेज का पहला ये है कि इसका जो पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टीफर साइड में है, तो आगे वाले को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट पीछे वाले को थोड़ा बहुत जो है ना झटके थोड़े ज़्यादा फील होने वाले हैं। तो वो नॉर्मल सिटी राइड्स में प्रॉब्लम होगा, बाकी हाईवेज पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो बहुत इजीली आपका मैनेज करेगा। पर सिटी राइड्स में जो है झटके ज़्यादा पीछे वाले को फील होंगे, कि मैनेजेबल है वो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है वो देखा जाए तो। तो यस, ये था पहला डिसएडवांटेज इसका। दूसरा डिसएडवांटेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो इसका हेलोजन जो है लाइट्स है, जो कि अब आजकल इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक है जो कि थोड़ा बहुत LED का सेटअप ला देती हैं यार, तो इनको भी लाना चाहिए वैसे तो। बट मेरे हिसाब से ना यार हेलोजन जो होता है इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, विजिबिलिटी हेलोजन की थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बट लुक वाइज देखा जाए ना तो फिर LED जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी इसमें एक DRL दे रखी है तो बहुत बढ़िया सी ये शाइन मारती है, तो बहुत मज़ेदार लगती है, तो मज़ा आता है देखने में। बाकी हाँ, ये जो हेलोजन और बल्ब इंडिकेटर है इसको भी अपग्रेड करके LED में कर देना चाहिए था, एटलीस्ट LED इंडिकेटर तो एटलीस्ट कर ही देना चाहिए था। तीसरा इसका डिसएडवांटेज, एक छोटा सा डिसएडवांटेज, मतलब ये सब जो डिसएडवांटेज हैं ये थोड़े मैनेजेबल है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि ये मैनेजेबल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बट हाँ, जब आप 80 के आसपास इस गाड़ी को अगर क्रूज़ करोगे या फिर नॉर्मली चलाओगे ना, तो ये जो इसके जो मिरर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू क्लासिक तो कम है, बट यस फिर भी थोड़े बहुत वाइब्रेट करेंगे। और अगर आप 110 के आसपास जाओगे ना, तो इसकी जो विजिबिलिटी है ना यार वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी बताऊँगा सच बताऊँगा, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो 0 के बराबर हो जाएगी, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। और अगर नॉर्मल सिटी में 60-50 में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो बढ़िया चलेगा, मस्त वाला। चौथा है इसका छोटा सा एक डिसएडवांटेज, जो कि मैनेजेबल है, फिर से बता रहा हूँ, वो डिसएडवांटेज नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, जो है इसकी वायरिंग्स, जो कि देखो यहाँ पर वायरिंग्स, यहाँ पर वायरिंग, तो इस गाड़ी में जो है ना, इस बाइक में थोड़े से वायरिंग थोड़े ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती है, और कभी कभी किसी लोगों को वो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि यार वो सब तो लगेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा तो। बट मुझे नहीं लगता कि दूर से इतना कुछ वायरिंग का पता चलता है, देखो आपको भी नहीं चल रहा होगा पता, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, वैसे मैनेजेबल है लेकिन से वो। अभी इसकी बात कर लेते हैं थोड़े से एडवांटेज, थोड़े से नहीं बहुत सारे एडवांटेज है वैसे तो मैं अपन एडवांटेज काफ़ी सारे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए इसकी सेट बात। तो ये वाली जो बाइक है, ये वाली बाइक लेनी चाहिए उन लोगों को जिनको अच्छी खासी क्रूजिंग करनी है, मेन लंबे लंबे रूट जाने हैं, सिटी में थोड़ा सा सिटी में भी चलाना है, पर सिटी में भी मतलब थोड़ा सा जो है 191 kg इसका वेट है मेनली, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हैवी पड़ सकती है। अगर आपका आपकी सिटी में हैवी ट्रैफिक है तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगी, पर अगर जैसे भोपाल में क्या है कि इतना नॉर्मल ट्रैफिक होता है बिल्कुल, तो आपको इतना परेशान नहीं पड़ेगी, तो मैं इजीली इसको जो है सिटी में आराम से चला सकता हूँ, और नॉर्मली भी सिटी में चला सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरा इसका जो है माइलेज काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने जितना देखा है लोग अगर 80 के आसपास कुछ क्रूज़ कर रहे हैं तो 35-40 के आसपास भी लोगों का माइलेज आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है इसका। और तीसरा एडवांटेज है इसका लुक, देखो यार कितना बढ़िया लुक है। अगर आपको कम्फर्टेबल जो है ना, अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए जो कि बहुत बढ़िया से मतलब बिल्कुल कमर अमर दर्द ना हो और चिल होकर चलाए गाड़ी बिल्कुल, तो यार ये देखो कितना बढ़िया इसका फुट पैक, देखो कितना आगे है, और आराम से बैठूंगा ना यहाँ पे तो ऐसा बढ़िया सा मस्त वाला फील हो जाएगा, जिससे तो आपको मैं दिखाई देता हूँ चलो बैठ के भी। अब मैं यहाँ से बैठा हूँ ऐसे करके, तो देखो मेरा पैर जो है थोड़ा सा आगे साइड पोजिशन में है थोड़ा सा, तो अगर जो ये पोजीशन मेरा यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे जो कि जनरली स्पोर्ट्स बाइक में रहता है, तो ना मेरे को ना यहाँ से झुक के बैठना पड़ता, और झुक के बैठूंगा तो आपको पता है कमर में दिक्कत होगा, बट इसमें क्या है झुक के बैठने का सीन ही नहीं है, आपको बिल्कुल राजा की तरह ऐसे करके बैठना है इसमें, तो जैसे करके आप राइड करोगे तो बढ़िया बिल्कुल मस्त अच्छा खासा अपराइट पोजिशन है इसका, तो चलाने में मज़ा आएगा बिल्कुल, और मैंने चलाई है इसको तो ना मज़ेदार वाला फील हो रहा है ना बिल्कुल। तो फ्रंट से भी कंसोल दिखाया था मैं आपको इसका, के फ्रंट से कैसा कंसोल है इसका, तो देख लो यार फ्रंट से कुछ ऐसी दिखने वाली है, इतनी मैसिव दिखने वाली है, इतनी बड़ी सी जो टंकी है ना यार, आप कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा सही बता रहा हूँ, बट बहुत बड़ी टंकी है इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मज़ा आ जाएगा मतलब अगर आप चलाओगे ना इसको एक बार टेस्ट राइड लेके देखना, वो भी वेरी ऑनेस्ट मज़ा आ जाएगा आपको। अभी जो है मैंने आपको ये वाला लुक बताया है, अभी मैं आपको फायरबॉल वाला वेरियंट भी दिखा देता हूँ, और अभी मैं आपको एक और स्टेलर वाला जो वेरियंट है जो कि मैट ब्लैक वाला है वो भी दिखा देता हूँ अंदर चल के। We got to turn it off.